तो औषध की शुद्धता का परीक्षण कैसे करेंगे? औषध की शुद्धता का परीक्षण चार निर्धारण से किया जाता है, चार इनके निर्धारण बनाए। पहला है मॉर्फो एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन, दूसरा है फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तीसरा है फिजियो केमिकल और फोर्थ है केमिकल एग्जामिनेशन। तो नाम रूपात्मक परीक्षण को अपन मॉर्फो एनाटॉमिकल भी बोल सकते हैं और फार्माकोग्नोस्टिकल भी बोल सकते हैं। द्रव्यगुण में इसको फार्माकोग्नोस्टिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। और इसमें दो टाइप से स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टडी और माइक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी में अपन उसकी जो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं उसका, जैसे उसका तना, मूल, पत्र, पुष्प, इनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, और पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा इसका अध्ययन करते हैं। पत्र का जैसे कलर कैसा है, उसमें से कैसी स्मेल आ रही है, उसमें से उसकी आकृति कैसी है, मतलब कैसी शेप का है, उसके किनारे का जो शीर्ष भाग है, जैसे कई औषधियों के टिप पे एक नुकीला आकार होता है, कईयों का टिप बाहर निकला रहता है, तो ऐसे उनका शीर्ष भाग देखते हैं। तो शीर्ष भाग के बाद आता है शिरा विन्यास, वेंस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेंस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जैसे कि गिलोय का पत्र है, उसमें अपन को बहुत वेंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो ये अपन देख सकते हैं। और पर्णव्रंथ मतलब उसका पत्ते का जो ऊपर का कवर है, उसकी जो डंठल वाला पोर्शन है, वो देख सकते हैं कि किसका कैसा है। किसी की जैसे किसी के कॉर्नर्स 6 कॉर्नर होते हैं, किसी के 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो ऐसे करके अपन मेज़र कर सकते हैं। सूक्ष्म संरचना माइक्रोस्कोपिक स्टडी में अपने आएंगे, जैसे उसके तना, मूल, पत्र, पुष्प, इनका अपन क्या करेंगे, इनका हल्का सा एक पीस काट के और उनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। तो उसमें अपन उनका स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च स्टोमेटा और आइसलेट नंबर, ट्राइकोम्स, वेन्स, इन सब का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो जैसे स्टार्च ग्रेन का डायमीटर ले लिया, स्टोमेटा की लेंथ देख ली, स्टोमेटा का टाइप देख लिया, स्टोमेटल नंबर देख लिया, स्टोमेटल इंडेक्स देख लिया, वेन्स का आइसलेट नंबर, इन सब अपन उसमें मेज़र कर सकते हैं। वेन का डिटर्मिनेशन करना, वेन टर्मिनेशन और ट्राइकोम्स। अब आता है नेक्स्ट अपना फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में 4 स्टेप्स बता रखे हैं। एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर, तो अपन जैसे कोई भी औषधि वगैरह इनका फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे तो उनमें कुछ कुछ अवांछित तत्व भी आ जाते हैं, तो उनको रिमूव करना, तो उनका निश्चितीकरण अपन डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर से करते हैं। लॉस ऑन ड्राइंग मतलब उसको सुखाएंगे, जैसे कोई औषधि लाया उसको सुखाया तो कितना उसका लॉस होता है ड्राइंग होने पर। टोटल लेस डिटर्मिनेशन, जैसे कोई भस्म औषधि बनाई तो भस्म औषधि से पहले वो कितनी थी उसको मेज़र किया था अपन ने, और बाद में जब ऐश बन गया फिर कितनी है, तो ये टोटल लेस डिटर्मिनेशन, ये भी फिजिकल में आता है। और ड्रग एक्सट्रैक्शन, जैसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं अपन एक्सट्रैक्ट निकालने को, तो जैसे अपन कोई भी मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, जैसे सत्व निकाल रहे हैं गुड़ूची का, तो ऐसे करके गनवटी बना रहे हैं या कुछ एक्सट्रैक्ट फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो उसमें मेज़र करना ड्रग एक्सट्रैक्शन, इन सब में फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं। अब है ना डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर में, तो जैसे क्या क्या आ जाएंगे, जैसे प्रयोज्यांग के अलावा जो औषधि के प्रयोज्यांग लिख रहते हैं, तो प्रयोज्यांग के अलावा जो भी पार्ट होगा औषधि का, वो उसका फॉरेन मैटर कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो हो गया अपना डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर, उसको अपन डिटरमाइन करेंगे। ऐसे एडल्ट्रेंट भी आ सकते हैं और प्रयोज्यांग के अलावा जो भी चीज़ है वो भी आ सकती है। और दूसरा अपना लॉस ऑन ड्राइंग था, तो लॉस ऑन ड्राइंग जो होता है, जैसे 100 ग्राम औषधि है तो उसको अपन ने ओवन में डाला, तो ओवन में 4-5 घंटे के लिए डाला अपन ने उसको, और फिर उसका वेट मेज़र किया अपन ने कि ओवन में ड्राई हो जाएगी वो, फिर वेट मेज़र करेंगे अपन डिजिटल बैलेंस पे। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे इट शुड बी लेस
देन 10%, वेट जो है उसका 10% लेस होना चाहिए। अगर वो 10% से ज़्यादा आता है तो बी अवेयर, तो अवेयर हो जाओ आप कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है। 10% से कम वेट आना चाहिए लॉस ऑन ड्राइंग, ये एक क्राइटेरिया है। एश वैल्यू, तो एश वैल्यू में अपने क्या पढ़ते हैं अपन, टोटल एश डिटर्मिनेशन या एश वैल्यू में कि अपन ने ड्राई करा औषधि को, जो मेडिसिन बनाई उसको ड्राई किया अपन ने, या फिर कोई हर्ब थी उसको ड्राई किया, अब उसका फॉरेन मैटर रिमूवल किया, लॉस ऑन ड्राइंग किया, लॉस ऑन ड्राइंग करने के बाद उसका वेट लेंगे और फिर उसको सिलिका क्रूसिबल पे रख देंगे, है ना। वेट किस में रख लेंगे, सिलिका क्रूसिबल पे, और उस पर उसका वेट अपन पेंसिल से लिख देंगे कितना इतना आया। फिर उसको मफल फर्नेस में रखते हैं जिसका 550 प्लस माइनस 20 वेट होता है मफल फर्नेस का, और अंतर्धूम भस्म बनाते हैं तो वाइट बनती है जनरली। तो ये है अपना एश वैल्यू। और फिर डेसिकेटर में रखकर उसको, डेसिकेटर में रखते हैं, डेसिकेटर इंस्ट्रूमेंट है उसमें रखते हैं, जो नमी को एब्जॉर्ब करता है, उसके नीचे चूना पाया जाता है, चूना होता है जो नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे अपन लॉस टोटल एस डिटर्मिनेशन, अभी इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तीसरा ड्रग एक्सट्रैक्शन होता है, अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला था डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर में क्या होता है, इसमें लिख रखा है जैसे कि द्रव्यों का चयन करते समय कुछ अवांछित पदार्थों का संग्रह हो जाता है जो उपयोगिता को कम कर देते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं। तो सिंपल वे में कहा जाए ना तो जो प्रोजेन के अलावा है ना वो फॉरेन मैटर ही है, बस उसको रिमूव कर दो। तो रिमूव करने की विधि भी समझा रखी है कि कागज़ के ऊपर 250 ग्राम औषधि को फैला दो, फिर चिमटे की सहायता से उसको पृथक कर दो, फिर पृथक करने के बाद में वजन या उसके भार अपन ज्ञात कर लेंगे। कैलकुलेशन ली हुई औषध का, अभी ये फॉर्मूला बताया है कि औषध का भार, जैसे जो अपन ने औषध ली वो वाई ग्राम की है और उसमें जो अपमिश्रण कर रखा है वो डब्लू ग्राम का है, तो अपमिश्रण का प्रतिशत अपन ऐसे निकाल लेंगे। तो ये तो नॉर्मल परसेंटेज फॉर्मूला है, तो अपमिश्रण आ जाएगा इससे कि इतने परसेंट उसमें एडल्ट्रेंट है औषधि में। ये तो अपन गणना तो बाद में करेंगे, पहले तो अपन ये पता करेंगे कि उसमें, पहले तो सेपरेट करेंगे फिर परसेंटेज निकालेंगे कि हाँ इतना था। अब नेक्स्ट प्रोसेस लॉस ऑन ड्राइंग है, तो लॉस ऑन ड्राइंग इसलिए भी ज़रूरी है कि आर्द्रता रहेगी जितनी ज़्यादा औषधि में उतनी ज़्यादा उसमें जर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा, माइक्रो जर्म हो जाएंगे उसमें, मतलब फंगस वगैरह ये सब कीड़े वगैरह ये सब लग जाएंगे। तो इनको रिमूव करने के लिए अपन लॉस ऑन ड्राइंग करते हैं जिसके कारण औषधि ख़राब हो जाती है, जैसे इसमें लिख रखा है, ख़राब तो होती है। तो जितनी आर्द्रता रहेगी कितनी आर्द्रता ग्रहण करती है, तो इसमें लिखा औषधि वातावरण से कितनी आर्द्रता ग्रहण करती है, इसका ज्ञान से औषधि को ख़राब होने से अपन बचा सकते हैं। तो इसकी भी एक विधि है, इसकी विधि है कि उसको पेट्री डिश को पोटेशियम डाइक्रोमेट से साफ करके ओवन में सुखा लेते हैं। तो इसकी विधि में इन्होंने लिखा है कि आर्द्रता का करने के लिए पेट्री डिश को पोटेशियम डाइक्रोमेट से साफ करेंगे, सबसे पहले जो पेट्री डिश ली उसको साफ करो पोटेशियम डाइक्रोमेट से, और फिर ओवन में उनको सुखा लो, घंटे की सहायता से उसको पृथक कर दो, फिर पृथक करने के बाद में वजन या उसके भार अपन ज्ञात कर लेंगे। कैलकुलेशन ली हुई औषध का, अभी ये फॉर्मूला बताया है कि औषध का भार, जैसे जो अपन ने औषध ली वो वाई ग्राम की है और उसमें जो अपमिश्रण कर रखा है वो डब्लू ग्राम का है, तो अपमिश्रण का प्रतिशत अपन ऐसे निकाल लेंगे। तो ये तो नॉर्मल परसेंटेज फॉर्मूला है, तो अपमिश्रण आ जाएगा इससे कि इतने परसेंट उसमें एडल्ट्रेंट है औषधि में। ये तो अपन गणना तो बाद में करेंगे, पहले तो अपन ये पता करेंगे कि उसमें, पहले तो सेपरेट करेंगे फिर परसेंटेज निकालेंगे कि हाँ इतना था। अब नेक्स्ट प्रोसेस लॉस ऑन ड्राइंग है, तो लॉस ऑन ड्राइंग इसलिए भी ज़रूरी है कि आर्द्रता रहेगी जितनी ज़्यादा औषधि में उतनी ज़्यादा उसमें जर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा, माइक्रो जर्म हो जाएंगे उसमें,
मतलब फंगस वगैरह ये सब कीड़े वगैरह ये सब लग जाएंगे, तो इनको रिमूव करने के लिए अपन लॉसन ड्राइंग करते हैं, जिसके कारण औषधि ख़राब हो जाती है, जैसे इसमें लिख रखा है, ख़राब तो होती है। तो जितनी आर्द्रता रहेगी कितनी आर्द्रता ग्रहण करती है, तो इसमें लिखा औषधि वातावरण से कितनी आर्द्रता ग्रहण करती है, इसका ज्ञान से औषधि को ख़राब होने से अपन बचा सकते हैं। तो इसकी भी एक विधि है, इसकी विधि है कि उसको पेट्री डिश को पोटेशियम डाइक्रोमेट से साफ़ करके ओवन में सुखा लेते हैं। तो इसकी विधि में इन्होंने लिखा है कि आर्द्रता का करने के लिए पेट्री डिश को पोटेशियम डाइक्रोमेट से साफ़ करेंगे। सबसे पहले जो पेट्री डिश ली उसको साफ़ करो पोटेशियम डाइक्रोमेट से, और फिर ओवन में उनको सुखा लो। मतलब पेट्री डिश को पोटेशियम डाइक्रोमेट से साफ़ करा और साफ़ करके उसको ओवन में सुखा लिया, जिससे उसकी जो भी नमी होगी वो सूख जाएगी। फिर पेट्री डिश का अपन वजन करेंगे, वजन करके उसमें 100 ग्राम औषधि डालेंगे, और फिर ओवन में उसको 105 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 6 घंटे के लिए रख देंगे, और फिर ओवन से निकाल कर पुनः उसका वजन ले लेंगे। मतलब सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, पेट्री डिश को सुखाना है, अपना पहला टारगेट है पेट्री डिश को सुखाना। पेट्री डिश को साफ़ किया पोटेशियम परमैंगनेट से और सुखा लिया, फिर उसमें अपन ने औषधि डाली, फिर उसका अपन ने वजन लिया, फिर उसका वजन लिया अपन ने सुखा के कितना वजन है, और फिर उसमें औषधि डाल के फिर उसको गर्म किया, और फिर उसका पुनः वजन लिया अपन ने। ठीक है, ली औषधि का भार जैसे 2 ग्राम है, पेट्री डिश खाली पेट्री डिश का पहले भार लिया W1, पेट्री डिश और औषधि दोनों उसका भार लिया W2, सूखने के बाद पेट्री डिश और औषधि का भार लिया W3। फिर लॉस ऑन ड्राइंग अपन को पता चल जाएगा W2 - W3। अब ये क्यों किया अपन ने, क्योंकि पेट्री डिश और औषधि का भार था ना इसमें, तो W2 था, तो पेट्री डिश और औषधि के भार में से अपन ने माइनस कर दिया सूखने के बाद पेट्री डिश प्लस औषधि का भार। देखो ये इसलिए किया कि हमेशा ज़्यादा में से कमी माइनस करते हैं अपन, तो W2 तो है अपना पेट्री डिश प्लस औषधि का भार, तो पहले सूखने से पहले भार ज़्यादा होगा और फिर सूखने के बाद में भार कम हो जाएगा। ज़्यादा में से कम माइनस किया अपन ने और उसको डिवाइड कर दिया ली हुई औषध, अपन ने औषध कितनी ली थी उससे, मतलब टोटल टोटल से, और फिर उसको अपन ने परसेंटेज निकाल लिया 100 करके। तो ऐसे अपन लॉस ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। चौथा था टोटल एज डिटर्मिनेशन, चौथा नहीं तीसरा ही है अपना, हाँ मतलब एश वैल्यू एश डिटर्मिनेशन हो गया। तो एश डिटर्मिनेशन में अपन क्या करते हैं, ये इसलिए किया जाता है कि अकार्बनिक पदार्थ मतलब जो नॉन कार्बनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्ञान करने के लिए अपन ये पता करते हैं, एश वैल्यू डिटर्मिनेशन करते हैं। क्योंकि एक निश्चित टेम्परेचर होता है इसमें सारे कार्बनिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं बाहर, मतलब जल के ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कैल्शियम पोटेशियम फॉस्फोरस लोह ताम्र आदि शेष रह जाते हैं। जलाएंगे ना अपन, ऐश में क्या करना है, जलाना है, तो ऐश में जलाएंगे अपन तो जो कार्बनिक पदार्थ होंगे या कार्बनिक फॉर्मुलेशन होंगे वो सब तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और जो नॉन कार्बनिक थे जैसे कैल्शियम पोटेशियम फॉस्फोरस लोह ताम्र ये बच जाएंगे। तो इसमें अपन को ये फ़ायदा होता है, ये पता चल जाता है अपन को, अकार्बनिक पदार्थों का ज्ञान हो जाता है कि ये कितने थे उसमें। सिलिका क्रूसिबल को पोटेशियम डाइक्रोमेट से साफ़ किया, फिर ओवन में रख कर उसे सुखा लिया, ओवन से निकाल कर सिलिका क्रूसिबल का भार ज्ञात किया, फिर उसमें 3 ग्राम का जो सैंपल का भार ज्ञात करके मफल फर्नेस में 450 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 6 घंटे के लिए रख दें, फिर दूसरे दिन निकालेंगे, पूरा 1 दिन तक रखना है, 6 घंटे तक रखना है लिख रखा है, दूसरे दिन निकालना है, फिर ठंडा भी होने देना है उसी में। फिर डेसिकेटर, जैसे कि पहले बताया था मैंने, डेसिकेटर में रख देते हैं, ठंडा होने के बाद इसको फिर सिलिका और औषधि की भस्म इनका वजन कर लेते हैं, तो ऐश का प्रतिशत निकालते हैं Δw g/Y × 100 से।
अब आता है ड्रग एक्सट्रैक्शन। तो ड्रग एक्सट्रैक्शन जो होता है ये बेसिकली अपना एक्सट्रैक्ट निकालने में अपन इसको काम में लेते हैं। तो औषधि निष्कर्षण में कार्यकारी तत्व पाए जाते हैं ऐसे लिखा है इन्होंने। मतलब एक्सट्रैक्ट जो होगा ना उसमें सारे उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स ही होंगे और कुछ नहीं होगा, तभी तो लिखा है इन्होंने। इसमें सारे कार्यकारी तत्व पाए जाते हैं। कार्यकारी औषध द्रव्यों के तत्वों का निष्कर्षण के उसके विलायक तत्वों पर निर्भर करता है। इसका वर्णन इन्होंने आगे किया है, अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं आगे जो वर्णन कर रखा है उसको भी, अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। हाँ जी, तो ड्रग एक्सट्रैक्शन जो होता है औषध का निष्कर्षण, तो कार्यकारी यौगिक जो औषधि द्रव्यों में कार्यकारी यौगिक होते हैं उनका निस्सारण करके अनेक विधियों द्वारा किया जाता है। जैसे इन्होंने लिखा है कि औषधि द्रव्यों का आवश्यकता अनुसार चूर्ण या यवकुट चूर्ण काम में लाया जाता है। औषधि द्रव्यों को जनरली अपन चूर्ण काम में लेते हैं, यवकुट चूर्ण काम में लेते हैं। अब निस्सारण एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो चूर्ण यवकुट चूर्ण करने के बाद में प्राप्त सामग्री का निस्सारण करेंगे, जिससे जो वांछित कार्यकारी यौगिक हैं ऊतक हैं वो ऊतकों से निकलकर घोल में आ जाए। जो मतलब जो टिश्यू वगैरह जो ये जो हैं इनसे जो जो अपन को एसेंशियल चीज़ें चाहिए ना औषधि की, वो घोल में आ जाए। अब यौगिकों का निस्सारण विभिन्न विलायकों द्वारा किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के विलायकों का चयन अपन पोलैरिटी के आधार पर करते हैं। औषध द्रव्यों में उपस्थित यौगिकों की प्रकृति के निर्भर किया जाता है। पोलर किस्म के यौगिकों का निस्सारण पोलर विलायकों से, नॉन पोलर का वो तो नॉर्मल बात नॉन पोलर से करेंगे। सामान्य वैसे सामान्यतः तेलीय जो भाग का नॉन पोलर द्वारा और शेष भाग का पोलर यौगिकों द्वारा निस्सारण करते हैं। निस्सारण मतलब एक्सट्रैक्शन हो गया, मतलब निकालते हैं। पहले चूर्ण यवकुट चूर्ण बना लिया और फिर प्राप्त जो सामग्री है उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। जिससे चूर्ण में थोड़े से ऐसे ऊतक वगैरह ये निकले रहते हैं ना, तो उनसे भी जो औषधि मेन औषधि है के कार्यकारी तत्व जो होते हैं अपने वो घोल में आ जाते हैं। और फिर उस घोल को अपन आगे फिर इनमें जो नॉन पोलर है उनमें नॉन पोलर डाल देते हैं, जो पोलर है उनमें पोलर होते हैं यौगिक उनका निस्सारण कर देते हैं। नेक्स्ट आता है किसी भी औषध द्रव्य में उपस्थित तेल को प्राप्त करने के लिए कार्बनिक विलायकों के अतिरिक्त। अब जैसे किसी भी औषधि द्रव्य में जो उसका स्थिर तेल उसमें पाए, स्थिर तेल को निकालने के लिए अपन को उसमें और भी ज़्यादा कार्बनिक विलायकों के अलावा, कार्बनिक जो लिक्विड्स हैं उनके अलावा अपन को एक्सपेलर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इनका प्रयोग करते हैं अपन एक्सपेलर द्वारा, अपन एक्सपेलर्स जो होते हैं उनसे अपन तेल निकालते हैं। तेल निष्कासन की क्रिया में पादप सामग्री का तापमान जो अपने प्लांट के कंटेंट्स लिए उनका तापमान 70-80 डिग्री तक चला जाता है। इस स्थिति में ऐसे द्रव्यों का एक्सपेलरों द्वारा निष्कासन नहीं करना चाहिए, इससे कार्यकारी तत्व उष्ण हत, क्योंकि कार्यकारी जो भी तत्व होंगे वो बेसिकली उष्णता से नष्ट हो जाएंगे। 70-80 डिग्री तक चला गया टेम्परेचर, फिर कार्यकारी तत्व तो नष्ट हो गए, तो इसलिए उत्पन्न एक्सप्लोरों द्वारा निष्कासन नहीं करते इस स्थिति में। उष्णहत नष्ट होने वाले हैं। ऐसी सामग्री के लिए कार्बनिक विलायक और तरल कार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विफाइड CO2 और CO2 लिक्विड एक ही बात है, इनका प्रयोग करते हैं अपन। इन पर आधारित अति आधुनिक सुपर क्रिस्टल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, इसको SCFI बोलते हैं, उसका प्रयोग में सुपर क्रिस्टल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन तकनीकी तेल निकालने में श्रेष्ठ है।
इस यंत्र के द्वारा सभी प्रकार की युक्तियों का निष्कर्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि का संक्षिप्त विवरण अब नेक्स्ट में इसका विवरण कर रखा है इन्होंने, जैसे हर्बल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लिख रखा है और उसमें लिख रखा है कि सबसे पहले जैसे ड्राई, नहीं नहीं यहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रेश सॉल्वेंट ले रहे हैं अपन या ड्राई हर्ब ले रहे हैं, है ना। तो फ्रेश सॉल्वेंट या ड्राई हर्ब, फ्रेश सॉल्वेंट सबसे पहले अपन ने सॉल्वेंट स्टोरेज किया, ड्राई हर्ब साइजिंग। अब साइजिंग का मतलब हो गया यबकुट कर लिया उनको, है ना, यबकुट कर लिया या फिर उनका जो चूरण बना दिया यबकुट कर लिया। फिर अपन ने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया, तो फ्रेश सॉल्वेंट भी हो सकता है उसमें, ड्राई हर्ब्स भी ले सकते हैं। सबसे पहले सॉल्वेंट स्टोरेज किया, फिर उसकी साइजिंग कर दी, ड्राई हर्ब्स की सीधी साइजिंग कर दी। अब साइजिंग के बाद एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जब भी होता है तो अपन ने पढ़ा था अवांछित तत्व हट जाते हैं, है ना, और जो कार्यकारी होते हैं वो ही अपन को मिल जाते हैं। तो सॉलिड वेस्ट तो हटा दिया अपन ने एक्सट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्ट स्टोरेज किया, है ना, फिर सॉल्वेंट स्टोरेज, एक्सट्रैक्ट स्टोरेज के बाद सॉल्वेंट स्टोरेज आता है। अब सॉल्वेंट स्टोरेज के बाद में आता है अपना, एक प्रोसेस तो आ गया एक्सट्रैक्ट स्टोरेज करके अपने सॉल्वेंट स्टोरेज कर लिया, एक्सट्रैक्शन किया, एक्सट्रैक्ट स्टोरेज किया और सॉल्वेंट स्टोरेज कर लिया, काम ख़त्म। दूसरा अपना जो आता है वो आता है कि सॉल्वेंट स्टोरेज ना करके एक्सट्रैक्ट स्टोर करके अपन ने सॉल्वेंट की रिकवरी के लिए डाल दिया, सॉल्वेंट की एक बार पूरी अच्छे से जांच हो जाए, रिकवरी सॉल्वेंट रिकवरी होकर फिर अपन एक्सट्रैक्ट निकालेंगे और फिर इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन वाला प्रोसेस होगा। इवेपोरेशन वाले प्रोसेस में दो हो जाते हैं, एक तो सेकेंड स्टेज इवेपोरेशन होता है ओलियोरेजिन से, और एक पैकिंग हो जाती है, वेपोरेशन होती है, एक तो पैकिंग कर देते हैं और एक उसको और कंसंट्रेट करना है तो ओलियो रेजिन से अपन सेकंड स्टेज वेपोरेशन करते हैं। फर्स्ट स्टेज वेपोरेशन तो ये है ही, या तो इसके बाद तुरंत निकाल दो, पैक कर दो, या फिर कंसंट्रेट करना है तो सेकंड स्टेज वेपोरेशन वाले प्रोसेस तक जाओ, ओलियो रेजिन, फिर स्प्रे ड्राइंग, फिर स्प्रे ड्राइंग हो जाता है, मतलब उसको ड्राई करते हैं। और जैसे अपन सेकंड स्टेप पर गए ओलियो रेजिन वाले में, फिर उसको कंसंट्रेट कर लेंगे, फिर लिक्विड पैकिंग कर देंगे, कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट लिक्विड पैकिंग कर दी, है ना, कुछ एक्सट्रैक्ट स्प्रे ड्राइंग करके पैकिंग कर दी, और कुछ को सीधे अपन ने ऊपर पैक कर ही दिया। अब लिख रखा है पोलैरिटी किसी विलायक को पोलैरिटी किसी विलायक की किसी विलेय यौगिक को घोलने की क्षमता का प्रतीक है। वो होता है ना, एक तो जैसे कुछ कुछ ऑयल में ही घुलेंगे, कुछ कुछ वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, कुछ कुछ अपने जैसे ऑयल में ही घुलते हैं, कुछ कुछ इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं, तो ऐसे सब पोलैरिटी विलायक की विलेय जो है ना यौगिक को घोलने की क्षमता, कि वो किस में घुल सकता है उसका प्रतीक, उसको अपन पोलैरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सामान्य रूप से तेलीय पदार्थों का कम पोलैरिटी वाले तथा अतेलीय पदार्थों का अधिक पोलैरिटी वाले विलायकों में बोला जाता है, मतलब जिनमें तेल होगा ना उनको तो क्या है कम पोलैरिटी वालों में विलेय होंगे, वो कम पोलैरिटी वालों में घुलेंगे, और अतैलीय पदार्थ जो हैं वो अधिक पोलैरिटी वाले में घुले जाएंगे। अब औषध निष्कर्षण करने की मुख्य रूप से दो विधियाँ होती है, तो हॉट एक कोल्ड, हॉट एक्सट्रैक्शन और कोल्ड एक्सट्रैक्शन दो विधियाँ होती है। ये देखो एसिड सोल्यूबल, एसिड इन सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, तीन टाइप से होते हैं। 90% भस्म एसिड सोल्यूबल होती है, अब जो अपना आता है दो विधियाँ हो गई, एक तो हो गई अपनी हॉट एक्सट्रैक्शन एक कोल्ड एक्सट्रैक्शन। हॉट एक्सट्रैक्शन में अपन क्या करते हैं, जैसे गोल तल वाले फ्लास्क इन्होंने लिख रखा है, फ्लास्क वगैरह लिया, 25 ग्राम अपन ने औषध द्रव्य को कुट करके रख लिया,
200 ml अपन ने यौगिक सॉल्वेंट लिया, 200 ml का अपन ने सॉल्वेंट लिया, हीटिंग मेंटल पर उसको एक निश्चित तापमान पर रख दिया अपन ने सॉल्वेंट, फ्लास्क के ऊपर रिफ्लेक्स यूनिट लगाकर 12 घंटे गर्म करते हैं उसको, फिर विलयन को फिल्टर पेपर से छानते हैं। प्राप्त विलयन को पूर्व में भार ज्ञात की गई पेट्री डिश में डालकर, पहले भार ज्ञात कर लिया था इस पेट्री डिश का, पहले इसीलिए ज्ञात कर लेते हैं भार की, फिर बाद में फाइनल प्रोडक्ट जो मिले अपन उससे माइनस कर देते हैं तो अपना नेट प्रोडक्ट का वेट आ जाता है। पेट्री डिश में डालकर ओवन में 60 से 80% ग्राम सेल्सियस तापमान पर सूखने के लिए रख देते हैं, फिर उसका भार ज्ञात कर लेते हैं तापमान पर। ये तो हो गया हॉट एक्सट्रैक्शन। अब कोल्ड एक्सट्रैक्शन जो होता है उसमें कोनिकल फ्लास्क में वही 25 ग्राम औषधि ली या फुट करी, 200 ml सॉल्वेंट लिया, कॉक लगा दिया और शेकर मशीन, ये हमेशा याद रखना कि कोल्ड एक्सट्रैक्शन हमेशा शेकर मशीन से होता है और जो हॉट एक्सट्रैक्शन होता है वो अपन लिक्विड से करते हैं, जो सॉल्यूबल लिक्विड होता है ना जिसमें सॉल्यूबल होगा उससे करते हैं। और ये शेकर मशीन से होता है कोल्ड एक्सट्रैक्शन, और इसमें जैसे शेकर मशीन पर लगाकर 12 घंटे हिलाते हैं तो विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं, फिर प्राप्त विलयन को पूर्व में बाहर की गई पेट्री डिश में डालकर हॉट एयर ओवन में सुखा देते हैं, फिर इसका बाहर कैच कर लेते हैं। तो ये गणना ऐसे करते हैं अपन, औषधि बाहर लिया तो वो वायग्राम हो गया, रिक्त पेट्री डिश का बाहर अपन पहले ही मेजर कर लेते हैं तो W1 हो गया, औषधि बस पेट्री डिश W2, शुद्ध एक्सट्रैक्ट का बाहर जो होगा वो W2 - W1 होगा। क्यों? क्योंकि औषधि और पेट्री डिश का बाहर जो है उसमें पेट्री डिश को हटा देंगे अपन तो अपना आ जाएगा एक्सट्रैक्ट का वेट, जैसे कि पहले बताया था, तो इसको Δw बोलते हैं। शुद्ध एक्सट्रैक्ट का प्रतिशत निकालना है, इस Δw जो एक्सट्रैक्ट है इसको अपन ने जो औषधि जितनी औषधि ली थी है ना, मतलब इतनी औषधि में से इतना परसेंट एक्सट्रैक्ट निकला, तो ये हो जाएगा अपना Δw ग्राम अपॉन वाई ग्राम इंटू 100 द्रव्यों से प्राप्त एक्सट्रैक्ट। ये तो इसी के साथ अपना है ना फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा हुआ। अब नेक्स्ट आता है अपना फिजियो केमिकल एग्जामिनेशन, जो तीसरा पॉइंट था। पहला अपन ने क्या पढ़ा था, फार्माकोग्नोस्टिकल पहला था, फिजिकल दूसरा था और फिजियो केमिकल तीसरा है। तो इसमें आता है अपना पहला तो फिजियो केमिकल का पार्ट ए है वाटर सोल्यूबल ऐश, बी है एसिड इनसोल्यूबल ऐश, मतलब कौन सी ऐश वाटर में सोल्यूबल होगी, कौन सी ऐश एसिड में अघुलनशील होगी भस्म। अब आता है वाटर सोल्यूबल ऐश, तो इसमें सबसे पहले तो क्या करो, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लो, फिर उसमें 25 ml डिस्टिल्ड वाटर डाल दो, और फिर अपन ने जो भस्म निर्माण विधि से जो औषध द्रव्य की भस्म बनाई थी ना अपन ने, वो 3 ग्राम लेके उसमें डाल दो डिस्टिल्ड वाटर में, और फिर उसको 5 मिनट तक गर्म करेंगे, फिर एक वाटमैन फिल्टर लेकर अपन उसका भार ज्ञात कर लेंगे, पूर्व में भार किया गया फिल्टर पेपर पर उक्त विलयन को छान लेंगे, मतलब जो अपन ने पहले भार ज्ञात जिस फिल्टर पेपर पे किया है उसमें अपन वो लिक्विड डालेंगे और छान लेंगे उसको। अब जो इनसॉल्युबल होगा ना, इनसॉल्युबल ऐश जो होगी, वाटर इनसॉल्युबल ऐश, वही तो टेस्ट कर रहे हैं अपन, वाटर इनसॉल्युबल जो टेस्ट होगी ऐश होगी फिल्टर पेपर पे रह जाएगी और बाकी सारी वाटर में मिल जाएगी तो वो छन जाएगी, तो उस भस्म सहित जो भस्म रह गई उस फिल्टर पेपर पे, तो भस्म सहित फिल्टर पेपर को ओवन में डाल के सुखा लिया, फिर फिल्टर पेपर का अपन ने उस भस्म सहित फिल्टर पेपर का भार ज्ञात कर लिया, फिर अपन उसकी कैलकुलेशन करके वाटर सॉल्युबल ऐश परसेंटेज में निकाल लेंगे, जैसे वाई ग्राम कितनी औषधि ली अपन ने उसका वेट, डब्लू केवर फिल्टर पेपर ओनली एम्प्टी फिल्टर पेपर का वेट, W1 ले लिया अपन ने वाटर इनसॉल्युबल ऐश प्लस फिल्टर पेपर, इन दोनों का वेट। इनसॉल्युबल ऐश कैसे निकालेंगे, Δw W1 में से W माइनस कर दो ना,
रिक्त फिल्टर पेपर मतलब वाटर इंसोल्यूबल है, मतलब ये दोनों दोनों चीज़ें उनमें से रिक्त फिल्टर पेपर माइनस कर दो तो बचा हुआ आ जाएगा वाटर इंसोल्यूबल है, उसको परसेंटेज में निकाल लो ली हुई औषध के बाहर से डिवाइड करके, और फिर वाटर सोल्यूबल एस परसेंटेज में 100 में से माइनस कर दो वाटर इंसोल्यूबल एस की परसेंटेज, तो अपने आ जाएगी वाटर सोल्यूबल एस की परसेंटेज। दूसरा आता है एसिड इंसोल्यूबल एस, तीन टाइप का होता है नहीं, दो टाइप का वाटर सोल्यूबल और एसिड इंसोल्यूबल, दो टाइप से निकालते हैं फिजियोकेमिकल एग्जामिनेशन। तो एसिड इंसोल्यूबल एस में क्या होता है, 2NHCl लेंगे, जिसमें 2NHCl में क्या क्या आते हैं, 88.24 ml तो वाटर आता है प्लस 11.76 ml कंसनट्रेटेड HCl आता है। इनका एक विलयन तैयार करेंगे सबसे पहले तो 2NHCl का, फिर विलयन में 25 ml विलयन, उस विलयन में से 25 ml ले लेंगे अपन लिक्विड, और फिर वही भस्म निर्माण विधि से जो जो प्राप्त द्रव्य की भस्म थी वो 3 ग्राम लेके उसमें डाल देंगे, गर्म कर लेंगे 5-10 मिनट तक, फिर वही वाटमैन फिल्टर पेपर लेकर वही बाहर कैद करेंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम। फिर वही उक्त विलयन जो था एच प्लस 2N सॉल्यूशन उसको छान लिया, एसिड इनसॉल्यूबल से एच जो है वो फिल्टर पेपर पर रह जाएगी, ओवन में सुखा लिया, तापमान पर बाहर ज्ञात कर लिया, वही सारा प्रोसेस है, इससे आ जाएगा एसिड इंसोल्यूबल ऐश, वही सारा प्रोसेस है एसिड इंसोल्यूबल ऐश प्लस फिल्टर पेपर एसिड इंसोल्यूबल ऐश और इसकी परसेंटेज। तो अपन ये दोनों निकालेंगे, पहला तो वाटर सोल्यूबल ऐश, दूसरा एसिड इंसोल्यूबल ऐश। अब आता है फाइटोकेमिकल एग्जामिनेशन। फाइटोकेमिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों में अपन एग्जामिनेशन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो जैसे कार्बनिक पदार्थ जो आते हैं उनके अंदर अपन जैसे कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, स्टार्च कितना प्रेजेंट है उसमें, ग्लाइकोसाइड कितना है, प्रोटीन, टैनिन, एल्कलॉइड, सेपोनिन, फिनॉल, स्टेरॉल, फ्लेविनॉइड, वसा, तेल, ऑयल, इन सब की उपस्थिति का पता करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो और इनऑर्गेनिक में कॉनिकल बॉटम फ्लास्क में 5 ग्राम औषधि को आसुत जल मतलब डिस्टिल्ड वाटर, वही सेम प्रोसेस है, वो कॉनिकल फ्लास्क लिया, औषधि को अपन ने 5 ग्राम औषधि को अपन ने डिस्टिल्ड वाटर में डाला पॉली, अब इसमें यहाँ से चालू होगा टेस्ट सॉल्यूशन। पोलियम पेट्रोलियम ईथर लिया, मेथनॉल लिया, इथेनॉल लिया, एसिटिक एसिड लिया, कुछ भी इनमें से एक ले लो 100 ml लेकर और फिर उसको बंद कर दो, फिर शेकर मशीन लगाकर 12 घंटे हिलाते रहो, फिर जो प्राप्त विलयन होगा एक्सट्रैक्ट उसको फिल्टर पेपर से बीकर में छान लो। इससे तो अपन ने टेस्ट सॉल्यूशन निर्माण कर लिया। अब अपन कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग शुगर, इन सब का वो असेसमेंट करते रहेंगे, डिटर्मिनेशन करते रहेंगे। अब डिटर्मिनेशन कार्बोहाइड्रेट का कैसे करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर में निकाला गया टेस्ट सॉल्यूशन में से 5 ml टेस्ट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, डिस्टिल्ड वाटर से में निकाला गया जो टेस्ट सॉल्यूशन था उसमें से 5 ml अपन ने टेस्ट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और फिर मॉलिश रिएजेंट 2.5 ml उसमें मिला दिया मॉलिश रिएजेंट। मॉलिश रिएजेंट 2.5 ml उसमें मिला दिया टेस्ट ट्यूब में, जो अपन ने 5 ml टेस्ट सॉल्यूशन डाला था डिस्टिल्ड वाटर वाला उसमें अपन ने मॉलिश रिएजेंट मिला दिया, फिर उसमें H2SO4 मिलाया 0.5 ml, और फिर उस टेस्ट ट्यूब को अपन ने दीवार के सहारे रख दिया। अब अपन को क्या देखने को मिलेगा, जो उनका स्थान है ना मिलित स्थान, वहाँ ब्राउनिश रंग की रिंग बन जाएगी, मतलब H2SO4 और मॉलिश रिएजेंट का जो मिलने वाला स्थान होगा ना वहाँ पे ब्राउनिश रंग की रिंग बन जाएगी।
तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का द्योतक है, मतलब वो रिंग बन गई, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है उसमें। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, तो वो डिस्टिल्ड वाटर में जो अपने निकाले गए टेस्ट सॉल्यूशन था उसमें से एक टेस्ट ट्यूब की वही 5 ml अपने टेस्ट सॉल्यूशन ले ली, दूसरी टेस्ट ट्यूब में फिलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी इनको समान मात्रा में मिला लिया, तदुपरांत तो टेस्ट सॉल्यूशन मतलब इसमें फिलिंग मिलाएंगे, फिलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी मिलाएंगे, तदुपरांत तो टेस्ट सॉल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब में, जो टेस्ट सॉल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें फिलिंग ए एंड फिलिंग बी का 0.5 ml विलयन जो है उसको मिलाया, फिर उसको गर्म किया, फिर ठंडा होने के लिए रख दिया। तो इसमें विलयन हरा पीला नारंगी रक्तवर्ण शर्करा की उपस्थिति का द्योतक, ऐसा अगर वर्ण आ जाता है हरा पीला नारंगी रक्तवर्ण तो इसका मतलब शर्करा की उपस्थिति है उसमें। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की उपस्थिति होने पर H2SO4 HCl HNO3 मिलाकर गर्म करेंगे अपन। स्टार्च की उपस्थिति अगर चेक करनी है अपन को तो वो डिस्टिल्ड वाटर में निकाले गए टेस्ट सॉल्यूशन वही 5 ml टेस्ट ट्यूब बनाई और उसमें अपन ने आयोडीन रिएजेंट डाल दिया, तो आयोडीन रिएजेंट स्टार्च की टेस्टिंग के लिए हो गया, फिर गर्म कर लिया और ब्लू एंड ब्लैक रंग आता है, स्टार्च की उपस्थिति का द्योतक हो गया। ग्लाइकोसाइड कैसे टेस्ट करेंगे, वही सेम प्रोसेस है और उसमें FeCl3 डाल दिया अपन ने सॉल्यूशन 0.5 ml और ब्राउनिश रंग आ गया दोनों विलयनों के मिले थे स्थान पर, मतलब वही FeCl3 डाल दिया और H2SO4 डाल दिया और ये दोनों जहाँ मिले मिलते ही ब्राउनिश रिंग बन गई, तो ग्लाइकोसाइड की उपस्थिति। तो ग्लाइकोसाइड और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों सेम है, बस अंतर ये है कि कार्बोहाइड्रेट में तो मोलिश रिएजेंट का प्रयोग हो रहा था 0.5 ml और H2SO4 था और इसमें FeCl3 सॉल्यूशन है, दोनों में ब्राउनिश रिंग बनेगी। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, प्रोटीन का टेस्ट सेम प्रोसेस है, वही टेस्ट सॉल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर से निकाला 5 ml के टेस्ट ट्यूब में डाला, निन हाइड्रिन सॉल्यूशन डालते हैं उसमें 1 ml, तो ब्लू रंग अगर जैसे ही आ जाता है निन हाइड्रिन सॉल्यूशन डालते ब्लू रंग आ जाए तो प्रोटीन की उपस्थिति का द्योतक हो गया। टेनिन का टेस्टिंग वही सेम प्रोसेस, उसमें वेलेनिन प्लस HCl एल्कोहल अगर अपन ने विलयन 1 ml मिलाया और वो पिंक और रेड कलर आ जाए तो टेनिन की उपस्थिति का द्योतक हो गया। एल्कलॉइड में अपन वही सेम मिथेनॉल में निकालना पड़ेगा इसमें टेस्ट सॉल्यूशन को, इसमें डिस्टिल्ड वाटर में नहीं निकालेंगे, एल्कलॉइड में मिथेनॉल में निकालते हैं टेस्ट सॉल्यूशन, मिथेनॉल में निकाले गए टेस्ट सॉल्यूशन में अपन ने वही टेस्ट ट्यूब में डाला 5 ml और फिर दूर टेस्ट ट्यूब में अपन ने ड्रैगन ड्रॉफ ए एंड ड्रैगन ड्रॉफ बी को समान मात्रा में 2-2 ml मिला दिया। अब दोनों टेस्ट ट्यूब विलयन को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालेंगे -4 डिग्री सेल्सियस पे, फिर दोनों विलयनों को मिलाएंगे तो ऑरेंज रंग का प्रेसिपिटेट बनेगा और एल्कलॉइड की उपस्थिति को दर्शाएगा। सेपोनिन में वही डिस्टिल्ड वाटर की ट्यूब टेस्ट ट्यूब निकाली 5 ml की और उसमें मीठा सोडा या मधुर क्षार डाल दिया 10 मिलीग्राम 10 mg, हिलाते रहे और झाग बनने लग गए तो सेपोनिन की उपस्थिति सोडे से करते हैं जांच, मीठे सोडे से। कार्बनिक पदार्थों के परीक्षण के अंतर्गत लेड कैल्शियम मैंगनीज मैग्नीशियम फास्फोरस पोटेशियम मरकरी सल्फर लोह स्टेरॉल जिंक नाइट्रेट कोबाल्ट आदि का अध्ययन करते हैं। तो अब ये कैल्शियम आयरन सल्फर ये सब अपन ऐसे निकालेंगे, टेस्ट
टेस्ट ट्यूब में 2 ml टेस्ट विलयन जो है उसको डाल के उसमें एस्ट्रोसफो डाल दिया, सफ़ेद रंग का अवक्षेप आ गया तो कैल्शियम है ना। और टेस्ट ट्यूब में 2 ml टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें अपन ने KSCN डाला, पोटेशियम थायोसाइनाइड, तो रक्त वर्ण का आ गया तो लोहा है। सल्फ़र, सल्फ़र में टेस्ट ट्यूब में 2 ml सॉल्यूशन डाल के BaCl2 डाला, जैसे स से सल्फ़र, स से सफ़ेद रंग आ गया तो सल्फ़र है। फॉस्फोरस, वही 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन डाला। और अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट 1 ml डाल के मिला दिया उसमें, पीतवर्ण आ गया फॉस्फोरस में, पीतवर्ण। पोटेशियम, वही टेस्ट ट्यूबली 2 ml सॉल्यूशन लेकर उसमें HClO4 मिला दिया और श्वेत रंग आ गया, पोटेशियम श्वेत रंग, इसमें भी श्वेत रंग है और सल्फर में भी श्वेत रंग है, दोनों में श्वेत रंग आएगा। पोटेशियम कंपोनेंट में HClO4 लेते हैं, उसमें BaCl2 लेते हैं। नाइट्रेट, नाइट्रेट में 2 ml वो टेस्ट सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में, डाइफिनाइल एमिनिन एंड H2SO4 मिलाया तो पीला रंग आ गया, तो नाइट्रेट। मैंगनीज, टेस्ट ट्यूब में 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन लेकर KOH मिलाकर उसमें अपन बूंद बूंद करके आधे से 1 ml तक बेंजाडाइन मिलाएंगे मैंगनीज का, अगर अपन को टेस्ट करना है तो। और नीला वर्ण आ गया तो मैंगनीज है। इसी प्रकार मैग्नीशियम का बताया कि उसमें 2 ml लेकर उसमें 1 ml अपन ने ये सब मिला दिए, Na3PO4, NH4Cl, NH4OH और मैग्नीशियम, किसी अवक्षेप का ना मैग्नीशियम का देते हैं। तो ऐसे ही ये सब इन टेबल में बता रखा है ना, टेबल फॉर्म में है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दे रखा है वो समराइज फॉर्म कर रखा है एक तरह से, वो उसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स। हर्बल ड्रग्स जो होती है बेसिकली बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल वेरिएशन, स्टेबिलिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट। पहला कैरेक्टर पढ़ते हैं अपन स्पेसिफिकेशन हर्बल ड्रग का, कि उनके सबके बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे डेफिनेशन होगा, कैरेक्टर होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक ये सब होंगे, है ना। दूसरा, फिर इससे आगे अपन फाइटोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उनके, फिर टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट नॉन थेरापेटिक देखेंगे, फिर टेस्ट कराएंगे। दूसरा, या फिर आपसे हर्बल ड्रग्स का ये भी मान सकते हो कि उनमें है ना बायोलॉजिकली और जियोग्राफिकली वेरिएशन देखने को मिलती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं उनमें। तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, और फिर फाइटोकेमिकल कैरेक्टर्स, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग कंडीशन, प्री पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। फाइटोकेमिकल कैरेक्टर्स हैं तो टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, नॉन थेरापेटिक क्या क्या है, फिर वो देख के अपन टेस्ट कराएंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ऐसे आइडेंटिफिकेशन किन किन चीज़ का करेंगे, TLC का, केमिकल रिएक्शंस का, टेस्ट जो भी बताएं, टोटल ऐश, HCl इनसॉल्युबल ऐश, फॉरेन मैटर, एक्सट्रैक्टेबल मैटर, पार्टिकल साइज, वाटर कंटेंट, हैवी मेटल्स, और एक ऐसे। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट टॉपिक में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं क्वालिटी कंट्रोल में, वो देखेंगे।